जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हमारे देश में कोरोना महामारी की वजह से सभी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कार्य बहुत ही प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सभी शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्टूडेंट्स की पढ़ाई को सुचारू रूप से करवाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कंप्यूटर बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है? है क्या कंप्यूटर? आप सभी जानते हैं, जैसा कि क्योंकि आजकल हर घर में, हर ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, आप जहां भी जाते हैं सभी जगह आपको कंप्यूटर दिखाई देता है। और मैं मानती हूँ अधिकतर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सभी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं। तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, जो क्या करती है, डाटा के ऊपर कार्य करती है। यानी कि हम उसे डाटा देते हैं, उस डाटा के ऊपर वो प्रोसेसिंग करती है, और प्रोसेस करने के बाद में उससे जो रिज़ल्ट उसका आता है, जो हम उसको डाटा देते हैं, जो हम उसको निर्देश देते हैं कि उस डाटा के साथ उसको क्या करना है, तो उस पर प्रोसेसिंग करके वो हमें अर्थपूर्ण सूचना हमें प्रदान करती है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है विगत सदी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था, ठीक है। उसके बाद में धीरे 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 उसमें परिवर्तन होते गए। पहले जो कंप्यूटर था उसका आकार बहुत बड़ा था, एक कमरे के बराबर का आकार था। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, उसी तरह से कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया, उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो बढ़ती चली गई, और उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो अत्यधिक बढ़ गई। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ ही गई होगी कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिस पर हम उसे निर्देश देते हैं किसी कार्य के लिए कि ये कार्य करना है। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेसिंग के बाद में जो अर्थपूर्ण सूचना हमें प्रदान करता है उसे हम बोलते हैं आउटपुटिंग। तो कंप्यूटर जो है वो एक अंग्रेजी शब्द है, और उसका उद्भव कंप्यूट शब्द से हुआ है, CompuTe, कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है गणनाएं करना। इसका मतलब साधारण शब्दों में यदि हम देखें तो कंप्यूटर का कार्य क्या है, गणनाएं करना। लेकिन आज के समय में आप देखिए 80% से ज़्यादा गणनाओं से अतिरिक्त कार्य भी हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, प्रपत्र बनाना है, और ग्राफ निर्माण, खातों तथा बैंकिंग, और पेशेंट्स जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वो सारे काम हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। आप देखते हैं हमारे आसपास रेलवे स्टेशंस में, हॉस्पिटल्स में, और स्कूल्स कॉलेजेस में, सभी जगह आज कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा पर कार्य करती है। लेकिन यदि हम तकनीकी रूप में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जो हम जो डाटा डालते हैं उस डाटा को ग्रहण करता है, और उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें आउटपुट प्रदान करता है, यानी कि हमें उससे संबंधित अर्थपूर्ण सूचना वह प्रदान करता है। तो ये तो हुआ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर क्या होता है। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता होती है कंप्यूटर की स्वचालित मशीन, यानी ऑटोमेटिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। यानी कि ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, हम क्या समझते हैं ऑटोमेटिक से, स्वचालित से। स्वचालित का मतलब है कि जो चीज़ अपने आप काम करे, जो मशीन अपने आप काम करे।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर स्वचालित मशीन है, वह अपने आप काम करती है। हालांकि उस पर मनुष्य का हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसे निर्देश नहीं देंगे तो तब तक तो वो कुछ काम कर ही नहीं सकता। तो स्वचालित मशीन है कंप्यूटर, एक बार जब हम उसे कोई निर्देश दे देते हैं तो वह उसके ऊपर स्वयं प्रक्रिया करता है, स्वचालित है वह, इसलिए हम उसके स्वचालित बोल सकते हैं। दूसरी विशेषता जो कंप्यूटर की होती है वो होती है निरंतर कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू वर्क कंटिन्यूअसली। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि निरंतर कार्य करने की क्षमता, मनुष्य यदि हम किसी मनुष्य को कोई कार्य देते हैं तो वो काम करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो थक भी जाता है या फिर उसे कोई और काम होता है तो वो उसको छोड़कर चले जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो कभी थकता नहीं है, उसमें निरंतर कार्य करने की क्षमता होती है। आप चाहे कंप्यूटर को 10 घंटे काम कीजिए, चाहे 20 घंटे काम कीजिए, कंप्यूटर कभी नहीं थकेगा। तो इस तरह से कंप्यूटर में निरंतर कार्य करने की क्षमता होती है। थर्ड पॉइंट जो होता है, थर्ड जो विशेषता होती है कंप्यूटर की, वह यह होती है कि त्रुटिहीनता एवं विश्वसनीयता, यानी कि एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। यानी कि आप कंप्यूटर के ऊपर आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। यदि आपने उसको कोई निर्देश दिया, कोई डाटा उसके अंदर आपने इनपुट किया, तो 100% श्योरिटी होती है कि उसमें कोई गलती नहीं होगी। वो जो भी आपको अर्थपूर्ण सूचना देगा वो बिल्कुल सच होगा, बिल्कुल सही होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी, यानी कि वो त्रुटिहीन है। और रियलिटी यानी कि आप उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं, आपको इस चीज़ में किसी भी शक की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है। यदि आप कंप्यूटर से कोई भी काम करते हैं तो वो 100% श्योर ही होगा। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता होती है वो होती है स्पीड, यानी कि गति। कंप्यूटर की जो गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, मनुष्य से के दिमाग से बहुत ज़्यादा होती है। जिस काम को एक व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति करने में एक घंटा लगाता है, उसे कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में आपको करके, उस पर प्रक्रिया करके आपको उसका रिजल्ट प्रदान कर सकता है। इस तरह से कंप्यूटर की जो गति है वो बहुत अधिक तीव्र होती है। नेक्स्ट विशेषता जो होती है कंप्यूटर की, वह है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर की जो संग्रहण क्षमता होती है वह बहुत अधिक होती है। संग्रहण क्षमता का मतलब, जैसे कि आपने कोई उसको निर्देश दिया, डाटा दिया, आपने इनपुट किया, तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले उस डाटा को अपनी स्टोरेज के अंदर स्टोर कर लेता है। यानी कि जब जैसे ही आप उसमें स्टोर डाटा डालकर यदि उसको सेव कर देते हैं तो वो डाटा क्या होता है, उसमें हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, और आपको जब भी आवश्यकता हो तब भी आप उस अपने कंप्यूटर को खोलकर उसके अंदर उस चीज़ को देख सकते हैं जो कि आपने उसके अंदर सेव की थी। तो ये होती है उसकी स्टोरेज क्षमता। नेक्स्ट जो होता है वो होता है मल्टीटास्किंग, यानी कि बहु उपयोगी। कंप्यूटर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम आता है कि आप सिर्फ जोड़ मोड़ा बाकी कर सकते हैं उससे, इसके अलावा आप उसमें मूवीज़ देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं, कुछ भी काम, आप पेशेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं हॉस्पिटल्स में, स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, और पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये होता है मल्टीटास्किंग। इन सारी विशेषताओं के बावजूद कंप्यूटर में एक कमी भी होती है। वो कंप्यूटर में कमी क्या होती है कि निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। कंप्यूटर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है, यानी कि कंप्यूटर स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता। जब आप जैसे आपने कंप्यूटर आप कंप्यूटर के सामने जाके बैठते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने उससे उसमें कुछ भी डाटा नहीं डाला और वो अपने आप प्रोसेस करना चालू कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आप उसके अंदर कोई डाटा इनपुट नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर कोई प्रोसेस नहीं करेगा। तो जो कंप्यूटर की जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो बिल्कुल शून्य होती है, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर का जो IQ होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जैसा आप उसको बोलेंगे, जैसा आप उसको निर्देश देंगे, वो उसी अनुसार कार्य करेगा, अपने दिमाग से वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की विशेषताएं। अब हम आगे देखेंगे कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना, हालांकि इतने वर्षों से आकार, प्रयोग आदि के आधार पर कंप्यूटर में बहुत बदलाव हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था,
लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता गया, वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार बहुत कम हो गया। पहले उसमें उसकी जो क्षमता थी वो बहुत कम थी, स्टोरेज भी कम था, सब कुछ कम था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लग गई। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्यूटर आधार और क्षमताओं के आधार पर उसमें कुछ ना कुछ आकार और क्षमताओं के आधार पर उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते चले गए पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन जो कंप्यूटर की संरचना है वो सेम है, जैसी पहले थी वही अब है। यानी कि कंप्यूटर की जो संरचना है वह मूल तार्किक संरचना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंप्यूटर के द्वारा किसी भी रॉ डाटा को सूचना में परिवर्तित करने के लिए 5 चरणों में कार्य किया जाता है। ओके, 5 चरणों में कार्य किया जाता है, जिनमें से पहला जो चरण है वह है इनपुटिंग। इनपुटिंग यानी इनपुटिंग का मतलब आप समझते हैं, इनपुटिंग क्या होता है, इनपुट यानी कि किसी चीज़ को डालना, यानी कि जो आप डाटा है उसको पहले कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तभी वो प्रोसेस करेगा उसके ऊपर। तो सर्वप्रथम जो चरण है कंप्यूटर की संरचना का वह है इनपुटिंग। ठीक है, तो इनपुटिंग के माध्यम से हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चरण है वह होता है स्टोरिंग। जैसे ही हम उसके अंदर अपनी कोई डाटा डालते हैं तो सर्वप्रथम हमें उसको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। स्टोर करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि मान लो जैसे आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं और बीच में लाइट चली जाती है तो क्या होगा, जो आपने डाटा डाला है वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। तो सबसे पहले जब हम जैसे ही डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो हमारी जो कंट्रोल यूनिट होती है कंप्यूटर की, वो क्या करती है, उस डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में डाल देती है। उसके बाद में जो थर्ड चरण होता है वह होता है प्रोसेसिंग। ओके, प्रोसेसिंग के माध्यम से क्या होता है, जैसे हम कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है। यानी कि आपने जो उसको निर्देश दिया है, निर्देशानुसार वह उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। यानी जैसे कि आपने कंप्यूटर को निर्देश दिया कि 2+2 क्या होता है। ओके, तो ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर सीधे बस लिखा आ जाएगा उस पर 2+2। ठीक है, हमें 2+2 उसमें जैसे ही हम डाटा डालेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में आपको अर्थपूर्ण सूचना वह प्रदान करेगा। ओके, जो गणितीय जो गणनाएं होती हैं वह ALU यानी कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर संपन्न की जाती हैं। इसके बाद में फोर्थ जो हमारा चरण होता है कंप्यूटर की संरचना का वह होता है आउटपुटिंग। आउटपुटिंग यानी कि पहले हमने देखा था इनपुटिंग। इनपुटिंग से तो क्या होता है, हम हमारी सूचना को उसके अंदर इनपुट करते हैं यानी कि डालते हैं, और आउटपुटिंग के माध्यम से क्या होता है, जो हमने उसमें सूचना डाली, डाटा डाली, और हमने उसे निर्देश दिया कि उसके साथ आपको क्या करना है, तो उस निर्देश के आधार पर कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद में आपको आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट यानी कि जो उसका जो रिजल्ट होता है वह आपको प्रदान करता है। ओके, इसे हम बोलते हैं आउटपुटिंग। नेक्स्ट जो हमारा होता है चरण इसका वह होता है कंट्रोलिंग। यानी कि ये जो सारा कार्य होता है उसके ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इस कार्य को जो करता है वह हम उसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। ओके, तो CU यानी कि कंट्रोल यूनिट के माध्यम से कंप्यूटर का सारा कार्य कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर दो तरह की गणनाएं होती हैं, एक तार्किक गणनाएं और एक गणितीय गणनाएं। तो ALU में जाकर गणितीय गणनाएं होती हैं और CU उसको पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज करता है, उसके बाद में उसको ALU के अंदर सेंड कर देता है, और फिर वहाँ पर ALU के माध्यम से ये सारी गणनाएं की जाती हैं, प्रोसेस की जाती है। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे पास में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, पीढ़ियाँ से आप क्या समझते हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, क्या होता है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो विकास है, यानी पहले मैंने आपको जैसा बताया कंप्यूटर बहुत बड़े आकार का था, जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था, उसके बाद में धीरे धीरे विकसित होते 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 कंप्यूटर आज हमारे सामने जो आप कंप्यूटर देखते हैं वह उस साइज़ का कंप्यूटर है। तो ये जो सारा विकास था उसको समझने के लिए हम कंप्यूटर की जनरेशन्स, कंप्यूटर का जो ये विकास है उसे हम कुछ जनरेशन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कुछ पीढ़ियों के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस आधार पर अभी तक 5 पीढ़ियाँ हमारे यहाँ पर कंप्यूटर के विकास से संबंधित हैं।
तो जिसमें प्रथम पीढ़ी है हमारी 1940 से लेकर 1952 तक, ओके 1940 में जब एनीएक नाम का कंप्यूटर बना था, तो उसके साथ ही हमारी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के विकास में प्रारंभ हो गई थी। एनीएक का फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ओके। तो एनीएक 1940 में हमारे यहाँ पर एनीएक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, तभी से यहाँ पर कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो है वह स्टार्ट हो गई, ओके। सबसे पहले जो बना था कंप्यूटर एनीएक, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नलियों का उसमें प्रयोग किया गया था, और निर्वात नलियों के माध्यम से ही इस कंप्यूटर की संरचना बनाई गई थी, ओके। उसके बाद में ये जो एनीएक कंप्यूटर था, यह किस लिए बनाया गया था? यह सेना के कार्य के लिए बनाया गया था। मेन रूप से इसका जो आकार था वह 20x30 फीट के किसी कमरे के आकार के बराबर का था, और इसका जो वजन था वह 30,000 टन था, ठीक है, 30 टन था इसका वजन, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इसके अंदर प्रयोग किया गया था, यानी कि बहुत ही भारी और बहुत ज़्यादा बड़ा था आकार में, ठीक है। इसके बाद में धीरे धीरे करके और भी कई कंप्यूटर्स हमारे यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में बनाए गए, जैसे कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार भी इसी पीढ़ी के अंदर किया गया। तो 1940 से लेकर 1952 तक कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का काल माना जाता है। उसके बाद में द्वितीय पीढ़ी चालू होती है 1952 से लेकर 1964 तक। तो पहले जो कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, उसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का, निर्वात नलियों का यूज़ किया गया था। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन थी, उसमें हमारे यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर किस चीज़ का यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? एक अर्धचालक पदार्थ होता है, उसका बना होता है ट्रांजिस्टर, और उसके माध्यम से जो हमारी सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उसमें ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाने लगा। इसके अलावा जो मैग्नेटिक डिस्क, जो आज आप नाम सुनते हैं मैग्नेटिक डिस्क, उसका भी आविष्कार सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर ही किया गया। इसके अलावा कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे कि फोर्ट्रेन, कोबोल, सनबोल आदि, ये सारी भाषाएं भी हमारी द्वितीय पीढ़ी में ही प्रारंभ हुई। इसके बाद में हमारी 1964 से लेकर 1975 तक थर्ड पीढ़ी मानी जाती है। तृतीय जनरेशन कंप्यूटर के विकास में 1964 से लेकर 1975 तक। इसके अंदर जहाँ पहले वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था, उसके बाद में सेकेंड जनरेशन के अंदर उसकी जो जगह थी वो किसने ले ली थी? ट्रांजिस्टर्स ने ले ली थी। तो यहीं थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे कंप्यूटर्स में क्या यूज़ किया गया? आईसी का यूज़ किया गया। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। इंटीग्रेटेड सर्किट का यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा 1958 में जैक किल्बी और उनके एक साथी रॉबर्ट नाइसी ने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया, और इसके साथ ही हमारे कंप्यूटर के विकास में तृतीय पीढ़ी का पदार्पण हो गया। जो ये आईसी थी, इसमें क्या था कि जो प्रारंभ में आईसी चिप पर लगभग 20 से 30 उपकरण ही जोड़े जा सकते थे, जिसे एसएसआई का नाम दिया गया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ओके एसएसआई। धीरे धीरे इसमें जुड़ने वाले उपकरणों की संख्या बढ़ती गई और इसको क्या नाम दिया गया? एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ओके। यहाँ पर हमारी ये तृतीय पीढ़ी का आविष्कार हुआ था। उसके बाद में 1975 से लेकर 1989 का जो टाइम था, जो टाइमिंग थी, उसके अंदर हमारी चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन का काल माना जाता है। फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या हुआ? पहले जो आईसी चिप लगाई गई थी, तृतीय पीढ़ी के अंदर वह आईसी चिप की क्षमता यहाँ पर बढ़ा दी गई। पहले 20 से 30 उपकरण ही उसके अंदर जुड़ सकते थे, लेकिन अब जब 1975 से लेकर 1989 के अंदर जब हमारी चतुर्थ पीढ़ी आ गई, तो उस समय अब क्या हुआ?
कि उसमें आईसी के माध्यम से हम 3,000 से लेकर 10,000 तक के उपकरण उसके अंदर अब हम जोड़ सकते थे, यानी कि उसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया। पहले वो किस लेवल पर पहुंच गई थी, MSI यानी कि मिडिल स्केल इंटीग्रेशन। अब उसने किसका रूप ले लिया, LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। धीरे धीरे करके उसकी क्षमता और बढ़ती गई और उसका रूप किसने ले लिया, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस तरह से चतुर्थ पीढ़ी के अंदर धीरे धीरे करके IC की क्षमता बढ़ती गई। इस अवधि में ही हमारे निजी कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ 1975 से लेकर 89 के बीच की जो हमारी चतुर्थ पीढ़ी थी, इसके अंदर ही हमारा पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का आविष्कार हुआ। जो कंप्यूटर आजकल हम देखते हैं हर घर में, जो कंप्यूटर हमारे पास में होता है उसे हम बोलते हैं PC, उसका आविष्कार हमारा चतुर्थ पीढ़ी के अंदर हुआ। इसके अलावा जो इसके अंदर एक सुपर कंप्यूटर क्रे का भी इसी के अंदर आविष्कार किया गया। इसके बाद में हमारी प्रारंभ होती है पाँचवीं पीढ़ी, ठीक है। पाँचवीं पीढ़ी के अंदर क्या हुआ कि जो पहले IC की जो क्षमता थी वो कुछ लगभग हजारों में थी, वो अब बढ़कर हजारों से भी 10,000, 20,000, 30,000 इस तरह से बढ़ती गई। और जो VLSI था वो अब किसमें चेंज हो गया, VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो था वो अब ULSI में चेंज हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो इस तरह से कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, पीढ़ियों के माध्यम से हम कंप्यूटर के विकास को समझ सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से एक बच्चा होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें चेंजेस आते रहते हैं। आप देखते हैं कि पहले के ज़माने के जो लोग थे उसमें और आज के ज़माने के जो लोग हैं उनमें बहुत फ़र्क आ गया। इसी तरह से कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ बना दी गई। पहले जो पीढ़ी थी उसमें कंप्यूटरों का विकास बहुत कम था, अब धीरे धीरे विकसित होते होते आज जो कंप्यूटर हमारे सामने है वह आप सब देख ही रहे हैं कितना विकसित है वह कंप्यूटर। और हम आसानी से अपना सभी कार्य, अपनी गणनाएं हम उसके माध्यम से कर सकते हैं, पढ़ाई हम उसके माध्यम से कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड हम किसी भी चीज़ का उसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से रख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि आज के जीवन में हम मानते हैं कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना, क्योंकि कंप्यूटर के बिना आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको आप यदि अपन मैन्युअली उनको करें तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से हम उन कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा होता है कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है उसे हम दो आधारों पर जानेंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण एक तो होता है आकार एवं क्षमता के आधार पर और दूसरा होता है अनुप्रयोग के आधार पर। तो आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ सुपर कंप्यूटर। ओके, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। जो पर्सनल कंप्यूटर हमारा जो होता है, जो हमारे घरों में यूज़ होता है, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। जो हमें सभी जगह पर दिखाई देते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। सेकंड होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक होती है ना। ये क्या होता है, इसका उपयोग किसी निर्माता कंपनी में मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो होता है थर्ड, वह होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर और ज़्यादा शक्तिशाली होता है मिनी कंप्यूटर से और इसमें प्रोसेसिंग करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। उसके अलावा फोर्थ होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक बहुत अब तक का सबसे ज़्यादा विकसित कंप्यूटर माना जाता है और इसका उपयोग ज़्यादातर बड़े कार्यों में किया जाता है, जैसे खनिज संपदा वगैरह के माइनिंग्स वगैरह में और वैज्ञानिक कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है। अनुसंधान वगैरह के कार्य में इसका यूज किया जाता है। अत्यधिक गूढ़ गणनाएं करने में इसका यूज किया जाता है।
ठीक है। तो ये तो होता है आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। उसके अलावा दूसरा होता है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, किसी कोणों के आधार पर या वोल्टेज के आधार पर हमें हमारी सूचना देता है। इसमें जैसे कि हमारी जो दीवार की घड़ी होती है या फिर कार में लगा हुआ जो मीटर होता है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, संख्याओं के आधार पर वो हमें प्रदर्शित करता है अपनी सूचना, और कंप्यूटर में जो संख्याएं होती हैं वो 0 और 1 के समुच्चय में प्रदर्शित होती हैं। तो हम जो देखते हैं हमारे यहाँ पर जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है उस थर्मामीटर में डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। थर्ड जो होता है अनुप्रयोग के आधार पर हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि कुछ गुण तो किसके होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के, और कुछ गुण होते हैं एनालॉग कंप्यूटर के। तो ठीक है, इस तरह से हमने आज कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन किया, कंप्यूटर की संरचना के बारे में जाना और कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जाना, कंप्यूटर की विशेषताओं का अध्ययन किया। इसी प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण भी आज हमने हमारे इस टॉपिक में कवर किया। ओके ठीक है, तो ये मैं आप सबसे लास्ट में यही कहूँगी कि इस कोरोना महामारी के काल में स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके बाय।